हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. कल हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ लिया था बेटा. आज हम करेंगे स्टीरियो आइसोमर. स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? वो आइसोमेरिक कंपाउंड जो डिफर करते हैं ईच अदर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस. इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस डिफरेंट होती है, उन्हें कहते हैं स्टीरियो आइसोमर. स्टीरियो आइसोमर तीन तरह के होते हैं. एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर. ऑप्टिकल आइसोमर दो तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो. डेक्स्ट्रो क्या होते हैं? जो लाइट को राइट साइड घुमाए. लीवो क्या होते हैं? जो लाइट को लेफ्ट साइड घुमाए. ऑप्टिकल आइसोमर बेसिकली प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं. अगर वो राइट साइड रोटेट करें तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर वो लेफ्ट साइड रोटेट करें तो लीवो रोटेटरी. सेकेंड इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर. ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिज और ट्रांस, आपने ये प्लस वन प्लस टू में पढ़ा है. दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं. एक होता है सिज जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस जिसमें सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड होते हैं. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिज और ट्रांस टाइप होते हैं. नेक्स्ट इज कन्फर्मेशनल आइसोमर. कन्फर्मेशनल आइसोमर में हम डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशंस बनाते हैं. ये डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे. तो स्टीरियो आइसोमर तीन तरह के होते हैं, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड कन्फर्मेशनल. ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर वो आइसोमेरिक कंपाउंड होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है लेकिन उनका एक्शन टूवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट डिफरेंट होता है. मतलब एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लाइट को राइट साइड घुमाएगा तो दूसरा लाइट को लेफ्ट साइड घुमाएगा. तो एक्शन टूवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट उनका डिफर करता है. पोलराइज क्या लाइट क्या होती है? प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है बेटा? वो लाइट जो सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करती है, सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करे उसे कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट. नॉर्मल लाइट सारे प्लेन्स में वाइब्रेट करती है लेकिन जब हम उसको एक पोलराइजर के बीच में से पास करते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है तो वो सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, उसे कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट. देखो ये नॉर्मल लाइट है, ये सारे प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही है, सारे प्लेन्स में इसकी डायरेक्शन है, तो ये अनपोलराइज लाइट है. पर जब इसे हम निकोल प्रिज्म से या कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट से पास करेंगे तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करना शुरू कर दी है तो इसे कहते हैं पोलराइज लाइट. ठीक है. ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? सब्सटेंस विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके उन्हें कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है. अब कुछ सब्सटेंस होते हैं जो लाइट को राइट साइड घुमाते हैं. राइट साइड घुमाते हैं उन्हें कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं. वाइल दोज विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट, और जो लाइट को लेफ्ट साइड घुमाते हैं उन्हें कहते हैं लीवो रोटेटरी. और जो इंस्ट्रूमेंट एंगल ऑफ रोटेशन, कितना घुमाया गया है लाइट को, कितने एंगल पे घुमाया गया है वो मेजर करता है, उसे कहते हैं पोलेरी मीटर. ठीक है. एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है कि आपकी प्लेन पोलराइज लाइट कितनी घूमी है, कितनी रोटेट की है, कितना एंगल ऑफ रोटेशन है, वो डिपेंड करता है कि आपका कंपाउंड का नेचर कैसा है. जिस कॉलम में आपने लाइट पास की है उस कॉलम की लेंथ कितनी है, जो सॉल्यूशन आपने लिया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, टेम्परेचर कितना है और वेवलेंथ कितनी आपने लाइट की यूज़ की है. तो एंगल ऑफ रोटेशन इन पांच चीज़ों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंपाउंड पे, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, टेम्परेचर पे और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़ पे. ठीक है. स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है बेटा? नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रोटेशन. स्पेसिफिक रोटेशन इज द रोटेटरी पावर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर एक्सप्रेस्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन. स्पेसिफिक रोटेशन होती है कि कितने एंगल पे आपकी जो लाइट है वो रोटेट की हुई है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन. स्पेसिफिक रोटेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज द एंगल ऑफ रोटेशन. बेसिकली ये क्या होती है बेटा? एंगल ऑफ रोटेशन जिसपे आपकी प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो रोटेट करती है. ठीक है. इसको जो है आपने जो अपना सब्सटेंस है वो आपने एक क्या बोलते हैं वेसल में फिल कर लेते हैं, उस पर जो है आप लाइट जो है वेवलेंथ 5893 की पास करते हो. ठीक है. स्पेसिफिक रोटेशन का एंगल कैसे मेजर करते हैं? इट इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कॉलम, जिस लेंथ में आपने अपना सब्सटेंस लिया था और उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास की थी तो उस कॉलम की लेंथ कितनी थी, इनटू बेटा डी इज वेट इन ग्राम्स. डी की जगह आप डब्ल्यू भी लिख सकते हो कि जो आपने सब्सटेंस लिया है उसका वेट कितना है. ठीक है. वेट इन ग्राम्स. डी इज वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 cc ऑफ सॉल्यूशन. एल इज लेंथ इन डेसीमीटर, जिस ट्यूब में आपने वो सब्सटेंस लिया उसकी लेंथ कितनी है. और ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, आपका एंगल ऑफ रोटेशन कितना आया. तो ये स्पेसिफिक रोटेशन निकालने का फॉर्मूला होता है. ठीक है. एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. ठीक है.
एलिमेंट ऑफ सिमिट्री जो है बेटा, सिमिट्री के कितने तरह के एलिमेंट होते हैं, आप कितने तरह से किसी भी सब्सटेंस को दो हिस्सों में सिमिट्रिकली डिवाइड कर सकते हो। तो देर आर थ्री एलिमेंट ऑफ सिमिट्री। पहला है प्लेन ऑफ सिमिट्री। प्लेन ऑफ सिमिट्री मतलब आपने इमेजिनरी प्लेन पास कर दिया और जो आपकी मॉलिक्यूल है वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर गया। देखो ये मॉलिक्यूल था, ये कोई मॉलिक्यूल है, इसके मैंने बीच में प्लेन ऑफ सिमिट्री पास कर दिया। इसके ऊपर OH, इसके नीचे OH, इस कार्बन के इधर मिथाइल, इस कार्बन के भी इधर मिथाइल, इस कार्बन के ऊपर H, इस कार्बन के नीचे H। तो ये जो प्लेन हुआ, इस प्लेन को कहेंगे प्लेन ऑफ सिमिट्री, बिकॉज ये बिल्कुल सिमिट्रिकल है, मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। सिमिलरली ये मॉलिक्यूल में भी जब मैंने बीच में प्लेन पास किया तो ये इक्वल, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमिट्री। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ सिमिट्री। ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है मॉलिक्यूल के सेंटर में, जहां से इक्वल बेटा आइडेंटिकल पॉइंट्स निकलते हैं। देखो अब ये कोई मॉलिक्यूल है, ये इसका सेंटर ऑफ सिमिट्री, अगर इस पॉइंट के इधर देखें तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे मिथाइल है और उतने ही इक्वल डिस्टेंस पे नीचे मिथाइल है। इसके बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे इधर ऊपर COH है और उतने ही इक्वल डिस्टेंस पे इधर नीचे OH है। तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमिट्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इमेजिनरी लाइन होती है जो कि मॉलिक्यूल में से पास करती है और उस लाइन के अराउंड जो मॉलिक्यूल है वो 360 डिग्री पे रोटेशन कर सकता है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये देखो ये इमेजिनरी लाइन है, अगर मैं रोटेट करूंगी तो ये BR, ये जो नीचे BR है ये ऊपर BR, 360 के बाद 180 के बाद इधर BR ऊपर चला जाएगा और ये जो H है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस इमेजिनरी लाइन पे ये मॉलिक्यूल इक्वली रोटेट कर सकता है। C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, 180 का एंगल ऑफ रोटेशन है। This is called axis of symmetry, ठीक है बेटा। तो इस तरह these are the three angle of symmetry। उसके बाद बेटा मॉलिक्यूल कायरलिटी। कायरल और एकायरल क्या होता है, आपको पता है कायरल कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो, जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो उसे कहते हैं कायरल कार्बन। एक कायरल कार्बन क्या होता है बेटा, जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट ना हो। देखो इस कार्बन के, सॉरी इस कार्बन के इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, दो ग्रुप सेम हो गए तो दिस इज एक कायरल कार्बन। जो बेटा कायरल कार्बन होता है ना, उसका जो मिरर इमेज होता है, जैसे देखो इसका जो मिरर इमेज बनाया, ये कायरल कार्बन है, इसके चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये इसका मिरर इमेज बनाया, ठीक है। इधर इसमें इस साइड क्लोरीन है, इसमें इस साइड क्लोरीन है, इसमें इस साइड हाइड्रोजन है, उसमें उस साइड हाइड्रोजन चला गया। तो ये जो मिरर इमेज है ये नॉन सुप्रीम पोजिबल है। नॉन सुप्रीम पोजिबल मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता प्रॉपर। तो अगर नॉन सुप्रीम पोजिबल मिरर इमेज बने तो उसे कहते हैं कायरलिटी। अगर कोई सब्सटांस नॉन सुप्रीम पोजिबल, द सब्सटांस हैविंग कायरल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म नॉन सुप्रीम पोजिबल मिरर इमेज, एक दूसरे पे सुप्रीम पोज ना करें, उसे कहते हैं कायरलिटी। एक कायरल होता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और जिसके चारों ग्रुप सेम डिफरेंट नहीं होते, उसे कहते हैं एक कायरल स्ट्रक्चर, ठीक है। ओरिजिन ऑफ कायरलिटी क्या है, ओरिजिन ऑफ कायरलिटी इज बेसिकली किसी सब्सटेंस के पास कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए और जो है वो नॉन सुप्रीम पोजिबल मिरर इमेज बनानी चाहिए, तो उसे कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल कायरलिटी शो करता है, ठीक है बेटा। जिन सब्सटेंस में प्लेन ऑफ सिमिट्री होती है वो कायरलिटी शो नहीं कर सकते, वो नॉन सुप्रीम पोजिबल मिरर इमेज नहीं बना सकते। जिन सब्सटेंस में प्लेन ऑफ सिमिट्री होती है वो बेटा नॉन सुप्रीम पोजिबल मिरर इमेज नहीं बना सकते, मतलब वो कायरलिटी शो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखो ये इन्होंने कायरल मॉलिक्यूल के एग्जांपल दे रखे हैं। ये कायरल मॉलिक्यूल है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है नहीं है, तो इस करके ये जो है ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कायरल कार्बन नहीं है। देखो बेटा ये कायरल कार्बन नहीं है पर फिर भी ये नॉन सुप्रीम पोजिबल मिरर इमेज बना रहा है, इसका मतलब कायरल कार्बन ना होने के बावजूद भी ये कायरलिटी शो कर रहा है। कायरल कार्बन होता है जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो, इसके तो इधर भी हाइड्रोजन, इधर मिथाइल, इधर भी मिथाइल और इधर भी हाइड्रोजन, तो चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है पर स्टिल इट इज फॉर्मिंग नॉन सुप्रीम पोजिबल मिरर इमेजेस, दैट मीन्स इट कैन शो कायरलिटी। तो कायरलिटी की प्रॉपर्टी के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। उसके बाद कल हम करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स के बाद हमारे स्टीरियो आइसोमर्स होंगे और फिर उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।